वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के एक और वीडियो लेक्चर में, जिसका टॉपिक है रॉम बायोस एंड सीमॉस। ये पिछले लेक्चर का ही एक सब पार्ट है। पिछला लेक्चर लेक्चर 4 था, इसको मैंने 4.1 लिया है। तो इसमें हम लोग जो पिछले लेक्चर में मदरबोर्ड का टॉपिक हम लोगों ने कवर अप किया था, इसके बाद इसके तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रॉम बायोस एंड सीमॉस के बारे में समझेंगे इस लेक्चर में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आइए इस लेक्चर को। तो इसमें सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जिसको हम रॉम बोलते हैं, आपको पता है कि कंप्यूटर में दो प्रकार की प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम एंड रॉम। रॉम बेसिकली रीड ओनली मेमोरी है, मतलब इसमें इंस्ट्रक्शंस को हम केवल रीड कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई अल्टरेशन या राइट नहीं कर सकते। रॉम इज़ बेसिकली नॉन वोलाटाइल रीड ओनली मेमोरी दैट प्रोवाइड्स सम स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन एट द टाइम ऑफ बूटिंग। जो बूटिंग की घटना होती है उसमें रॉम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं और ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। बूटिंग को जो सबसे इनिशियल इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो रॉम मेमोरी के द्वारा मिलते हैं, वो हम लोग ऑलरेडी बूटिंग में हम लोगों ने पढ़ा था। अब इट इज़ अ बिल्ट इन मेमोरी अवेलेबल ऑन द मदरबोर्ड, ये एकदम पहले से बिल्ट इन मेमोरी होती है मदरबोर्ड पे, ऑन बोर्ड मेमोरी होती है। इसको कहीं से आपको अलग से चिप लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ना इस चिप को हम मदरबोर्ड से रिमूव कर सकते हैं, ये फिक्स होती है उसी के अंदर। और एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही इसको बना दिया जाता है, इसके इंस्ट्रक्शन लिख दिए जाते हैं। टेक्निकली अगर हम देखें तो रॉम इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ बायोस एंड इज़ असिस्टेड बाई वोलाटाइल मेमोरी कार्ड सीमॉस। टेक्निकली अगर हम बोलें तो रॉम को हम बायोस बोलते हैं मदरबोर्ड के ऊपर, और ये एक और वोलाटाइल मेमोरी से असिस्टेड होती है, मतलब उसका सपोर्ट मिलता रहता है, क्योंकि जो इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं वो इंस्ट्रक्शंस जो सेटिंग्स को रीड करते हैं, वो सेटिंग को रीड करने के लिए इसी सीमॉस मेमोरी पे को देखते हैं, एक्सेस करते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग बूटिंग आगे कंटिन्यू होती है। तो कहीं ना कहीं बायोस सीमॉस की मदद लेता है और तब वो बूटिंग को पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाता है। रॉम को की अगर बात करें कि कितने प्रकार की होती है, तो बेसिकली तीन मेन टाइप्स हैं रॉम के। पी रॉम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो वन टाइम प्रोग्राम्ड होती है, जिसको किसी भी तरीके से हम चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद इसका नेक्स्ट वर्जन आया जिसको हम ई पी रॉम बोलते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें कुछ प्रोविज़न था, कुछ स्पेशल तरीके की, अल्ट्रा वायलेट लाइट के द्वारा हम इंस्ट्रक्शंस को इरेज कर सकते थे, लेकिन ये बहुत टेक्निकल था, बहुत आसानी से हम ये काम नहीं कर पाते थे। और वैसे भी रॉम के इंस्ट्रक्शंस को अल्टर करने का काम सिस्टम प्रोग्रामर्स का होता, नॉर्मल प्रोग्रामर इसको चेंज नहीं करते हैं, और इसके लिए हार्डवेयर इंजीनियर्स ही इसके प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं। खैर, पहले टेक्निकली बड़ा डिफ़िकल्ट था, यूवी रेज का यूज़ होता था। बाद में एक टेक्निक आई, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको हम लोग एप रॉम बोलते हैं, और इसमें आप हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट पास करके रॉम को आसानी से इरेज कर सकते हैं, जिसको हम लोग आजकल हम लोग फ्लैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। और आप फ्लैश मेमोरी के बहुत सारे एग्जांपल्स यूज़ करते हैं, जैसे मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड या पेन ड्राइव्स, ये सारे के सारे एप रॉम प्रिंसिपल पे ही बेस्ड हैं। ये सारी मेमोरीज एप रॉम प्रिंसिपल पे ही बेस्ड हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो डबल ई पी रॉम कंप्यूटर के अंदर लगी होती है वो फिक्स होती है, नॉन रिमूवेबल है, और उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो परमानेंटली रिटर्न होते हैं, वो फर्मवेयर के रूप में होते हैं, और लेकिन हम उनमें हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज करंट पास करके उसमें बदलाव कर सकते हैं कुछ लिमिटेड फॉर्म में। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बायोस के बारे में कुछ बातें हम लोग समझते हैं। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस इज़ ए फर्मवेयर। फर्मवेयर मीन्स व्हाट? इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली हार्ड वायर्ड इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, जो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बोर्ड के ऊपर ही लिख दिए जाते हैं, जिसके डिलीट होने या जिसके लॉस होने का कोई क्वेश्चन नहीं उठता, मतलब कि ये परमानेंट बने रहते हैं। दैट होल्ड्स ऑल द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस नीडेड फॉर बूटिंग, और बूटिंग के लिए जितने स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन है वो बायोस के अंदर लिखे होते हैं। अब जैसा कि इसका नाम है, एज इट्स नेम इम्प्लाइज, इट ऑल्सो कंटेंस लो लेवल आईओ रूटीन्स, इनपुट आउटपुट रूटीन्स होते हैं बायोस के पास। इसी के बेसिस पे हम इसका नाम लेते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये बायोस जो है, ये कभी कभी कंप्यूटर ऑन होने के बाद भी इनपुट आउटपुट रूटीन्स या आईओ इंटरप्ट के लिए
या लो लेवल पे आईओ इंटरप्ट को हैंडल करने का भी काम करता है। लेकिन बेसिकली हमारे रेफरेंस में इस समय जो है वो बायोस का काम शुरू के स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है जो बूटिंग में हेल्पफुल होते हैं। द इंस्ट्रक्शन ऑन बायोस आर रिटन एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विच आर नॉर्मली नॉट अल्टरेबल। मतलब जो इंस्ट्रक्शन बायोस पे लिखे होते हैं एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे जब मदरबोर्ड को बनाया जाता है फैक्ट्री में तैयार किया जाता है उसी समय इसके अंदर लिख दिए जाते हैं जो कि नॉर्मली बदले नहीं जा सकते। कुछ स्पेशल केस में हम इसमें अपडेशन या इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं लेकिन नॉर्मल तौर पे हम इस मेमोरी में कोई बदलाव नहीं करते हैं। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे जिसका टॉपिक है सीमॉस एंड सीमॉस बैटरी। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जैसे कि मैंने बताया कि बायोस जो कि टेक्निकली जो कि हम रोम का एक दूसरा नाम है बायोस असिस्ट होता है उसको हेल्प मिलती है एक मेमोरी की जो कि एक वोलाटाइल मेमोरी है जिसको हम सीमॉस कहते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें लिखी इसको क्लियर कर लें थोड़ा सा सीमॉस एंड सीमॉस बैटरी। तो सीमॉस इज एक्चुअली द मेमोरी एंड द लिथियम बैटरी विच गिव्स बैकअप टू सीमॉस इज नोन एज सीमॉस मेमोरी। सीमॉस का पूरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मतलब रैम की तरीके की ये सेमीकंडक्टर चिप है और ये वोलाटाइल है उसी तरीके से लेकिन इसका साइज़ बहुत कम है और ये इसको एक पावर बैकअप मिलता रहता है बैटरी से इसलिए इसकी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती। इवन कि कंप्यूटर जब स्विच्ड ऑफ हो जाता है तो भी ये बैटरी काम करती रहती है बैटरी के द्वारा इसको पावर मिलती रहती है। सीमॉस इज एन ऑन बोर्ड बैटरी पावर्ड सेमीकंडक्टर चिप और वोलाटाइल मेमोरी विद वेरी स्मॉल कैपेसिटी। अब आप देख सकते हैं स्लाइड में 64 बाइट मैंने लिख रखा है 64 बाइट या आपको कहीं कहीं 128 बाइट या थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिलेगा लेकिन 64 बाइट में ही हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं टू स्टोर सिस्टम सेटिंग्स। अब क्या सेटिंग्स होती हैं इसमें इट स्टोर वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम सेटिंग्स लाइक बूटिंग डिवाइस ऑर्डर सिस्टम डेट एंड टाइम एंड अपडेट द सिस्टम कैलेंडर इवन व्हेन द कंप्यूटर इज पावर्ड ऑफ। तो इसके पास जो सेटिंग्स होती हैं उसमें महत्वपूर्ण कुछ सेटिंग्स हैं बूटिंग डिवाइस ऑर्डर डेट और टाइम की सेटिंग्स और सिस्टम कैलेंडर भी इसके द्वारा जो है अपडेट होता रहता है। इवन कि जब हम कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो भी इसका डेट और टाइम चलता रहता है। जैसा कि हम लोगों ने कई बार ऐसा महसूस किया हो कंप्यूटर को पूरी तरीके से हम पैक करके एकदम बंद करके रख दें तो भी उसका डेट और टाइम डिस्टर्ब नहीं होता। और इसके अंदर एक क्लॉक लगी होती है जिसको हम रियल टाइम क्लॉक कहते हैं और जो आपका ये सीमॉस मेमोरी है ये सीधे सीधे रियल टाइम क्लॉक से कनेक्टेड होती है। मतलब कि इसके अंदर का डेटा रियल टाइम क्लॉक के हिसाब से मेंटेन होता रहता है और रियल टाइम क्लॉक को भी पावर सीमॉस बैटरी से लिथियम बैटरी से मिलती रहती है। आपको नीचे पिक्चर में सीमॉस बैटरी क्वाइन सेल की तरह दिखाई दे रही है तो स्मॉल लिथियम बैटरी है क्वाइन सेल बैटरी भी इसको कहते हैं और ये बहुत देख सकते हैं आप पिक्चर में कि ये 3 वोल्ट इसके ऊपर इसकी कैपेसिटी लिखी है। बहुत छोटी छोटी बैटरी है जैसे कि हम लोग रिस्ट वॉचेस या इस सब में देखते हैं बटन सेल टाइप की उसी तरीके की 3 वोल्ट की बहुत छोटी सी बैटरी है जिसकी एवरेज लाइफ 7 से 8 साल तक होती है और अगर ये ख़राब हो जाती है तो हम इसको रिप्लेस करके दूसरी नहीं लगा सकते हैं। तो खैर सीमॉस के बारे में ये बातें हम लोगों ने पढ़ी। अब बेसिकली इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है जो हमें प्रैक्टिकली यूज़ में आता है बायोस और सीमॉस सेटअप। कभी कभी जब कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है तो हमें उसमें एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है और इसके लिए हमें कंप्यूटर को सीडी या फिर पेन ड्राइव से बूट कराना होता है। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जब हम सीडी या पेन ड्राइव लगाते हैं तो बूटिंग बार बार फेल हो जाती है और बूटेबल पेन ड्राइव या सीडी से कंप्यूटर बूट नहीं कर पाता। इसका रीज़न है कि हमें सीमॉस में ये चेंज करना होता है सीमॉस सेटिंग में या बायोस सेटिंग में कि पहली बूट डिवाइस क्या हो। ज़्यादातर पहली बूट डिवाइस हार्ड डिस्क होती है और उस केस में कंप्यूटर सीडी या पेन ड्राइव लगाने पे भी बूट नहीं कर पाता और बूटिंग बार बार फेल हो जाती है। तो देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले बायोस और सीमॉस सेटअप के बारे में मैंने जो लिख रखा है इट इज़ ए लो लेवल सीयूआई। सीयूआई मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस मतलब यहाँ पे कोई माउस का काम नहीं है कोई ग्राफिक्स नहीं है आपका सारा काम लो लेवल पे कीबोर्ड के द्वारा ऑपरेट होगा और इसके अंदर सिस्टम सेटिंग्स होती हैं जैसे कि हार्डवेयर परफॉर्मेंस बूटिंग डिवाइस ऑर्डर डेट एंड टाइम ये सब आपको उस ब्लू कलर की स्क्रीन पे दिखाई देगा। इट अलाउज़ यूज़र टू चेंज द सेटिंग। यहाँ से हम सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अब सेटअप को खोलेंगे कैसे कंप्यूटर को एक बार ऑन करने के बाद बार बार यूज़र कोई स्पेसिफिक की प्रेस करता रहे जैसे कि F4 या डेल या कोई और अदर की कॉम्बिनेशन कंप्यूटर ऑन करते ही तो थोड़ी देर बाद एक
ब्लू कलर की स्क्रीन हमें ऑफ़र होती है जिसको हम CMOS सेटअप बोलते हैं, और आपको ये नीचे स्क्रीन दिखाई दे रही होगी दोस्तों, तो इस पर लिखा हुआ है BIOS CMOS सेटअप यूटिलिटी। यूटिलिटी एक तरीके की स्टैंडर्ड CMOS फीचर, BIOS फीचर, एडवांस BIOS फीचर, बहुत तरीके के सेट यूज़र पासवर्ड और बहुत सारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, फैक्ट्री सेटिंग्स इसमें दी होती हैं, और कुछ की कॉम्बिनेशन दिए होते हैं नीचे की ओर जिससे हम वो प्रेस करके अलग अलग ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। कुछ और स्क्रीनशॉट अगर हम देखें इसके, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि मैंने ये पहला स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उस यूट्यूब यूटिलिटी का, जो एडवांस मोड में आपको ये दिखा रहा है कि मैन्युफैक्चरर इंटेल है, इसका फ्रीक्वेंसी प्रोसेसर की 2.something गीगाहर्ट्ज़ है, L1 कैश का साइज़ दिया, L2 कैश का साइज़ दिया, मतलब आप डीप हार्डवेयर जो सेटिंग्स हैं उनको देख सकते हैं, हार्डवेयर की परफॉर्मेंस को यहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरे स्क्रीनशॉट में मैंने दिखाया फर्स्ट बूट डिवाइस, यहाँ पे जाके हम बूटिंग ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, और अक्सर जब हमें पेन ड्राइव या CD से बूट करना होता तो हम इस स्क्रीन पे जाके फर्स्ट बूट डिवाइस को हार्ड डिस्क से हटा के हम CD या पेन ड्राइव पे चेंज कर सकते हैं। तो आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए फर्स्ट बूट डिवाइस का एक बॉक्स खुला हुआ है, और इसमें नीचे पीछे की तरफ जो बॉक्स है उसमें लिखा फर्स्ट बूट डिवाइस, सेकंड बूट डिवाइस, थर्ड बूट डिवाइस, अकॉर्डिंगली हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ये सारी चीज़ें। तो CMOS या BIOS सेटअप में बहुत सारी सेटिंग्स हैं, बेसिकली नॉर्मल यूज़र को इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो हार्डवेयर इंजीनियर्स हैं उनको एक एक ऑप्शंस पता होते हैं, और इन द रेयर केस जब कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आती है या कंप्यूटर करप्ट हो जाता है, OS में कोई ख़राबी आती है, तो इस केस में या कंप्यूटर के हार्डवेयर के किसी पार्ट को इनेबल या डिसेबल, पोर्ट्स वगैरह को इनेबल डिसेबल करना होता, तो हमें BIOS या जो कि आप कहते हैं जिसको CMOS सेटअप की हेल्प से आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें CMOS, BIOS या ROM से रिलेटेड डिस्कस की। ROM को हम लोग पहले भी समझते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल लेवल पे BIOS और ROM के बारे में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई। तो इस सेशन के बाद स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू वेल वर्स्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ROM, BIOS एंड CMOS, जैसा कि मुझे लगता है कि अब आपको ROM, BIOS और CMOS ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। असाइनमेंट इसको आप जल्दी रिलेटेड असाइनमेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस YouTube वीडियो लेक्चर को, और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको कोई भी नए नोटिफिकेशन जो मेरे चैनल के हैं, नए वीडियो के हैं, वो आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें, और कमेंट ज़रूर दें जिससे मुझे फीडबैक मिलता रहे कि मैं वीडियो में और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं। तो इस छोटे से लेक्चर में हम लोगों ने जो इसका पहला पार्ट था उसमें मदरबोर्ड को ब्रॉडली समझा, मदरबोर्ड, ROM, BIOS, CMOS एंड ऑल्सो CMOS बैटरी, ये इतनी चीज़ें हम लोगों ने समझी इस वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं और नए लेक्चर के लिए वेट करते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू।